भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। तो मैं एक श्लोक डिस्कस कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को कुछ स्तुतियाँ अर्पण की, स्पेशली जब ब्रह्मा जी वृंदावन आए। और ये तो कथा आपको पता होगी कि कृष्ण भगवान के फ्रेंड्स और उनके गायों को ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया। इसको बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया। वो चोरी इसलिए किया क्योंकि ब्रह्मा जी को ये विश्वास नहीं आ रहा था कि कृष्णा भगवान है। और वो इसलिए विश्वास नहीं आ रहा था क्योंकि कृष्ण भगवान उस टाइम छोटे बच्चे ही थे लीला में, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, उनका झूठा खा रहे थे, वो भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि कौन से हाथ से खाना है, और साधारण बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये ही वॉज कन्फ्यूज्ड। तो भगवान ने अपनी लीला से ब्रह्मा जी को कन्फ्यूज कर दिया। और ब्रह्मा जी ने फिर चेक करने के लिए कि ये भगवान है या नहीं है, उनके फ्रेंड्स और उनके बछड़े सब चोरी कर लिए। अब चलो पास्टिंग बताई देता हूँ। तो ब्रह्मा जी अब चोरी करके अपने पास ले गए। तो ब्रह्मा जी ने प्लान किया था मैं एक मिनट के लिए अपने पास रखूँगा और एक मिनट के बाद वापस कर दूंगा, क्योंकि अगर ये भगवान नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और भगवान है और ज़्यादा देर उनके फ्रेंड्स और वो दूर हो गए तो फिर तो मैं तो सस्पेंड हो जाऊँगा पोस्ट से। एक मिनट ठीक है, एक मिनट रख लिया। तो ब्रह्मा जी अपने धाम में ले गए एक मिनट के लिए। बट अब आपको यहाँ पे थोड़ी रिलेटिविटी थ्योरी पता होनी चाहिए, आइंस्टाइन की। पता है? इसको पता होगा। सो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी मैं लंबी छोड़ी है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे वहाँ पे समय अलग चलता है, यहाँ पे समय अलग चलता है, बस इतना है, रिलेटिव है टाइम। तो देवी वहाँ पे जो है, वहाँ पे जब एक मिनट होता है तो यहाँ पर एक साल हो जाता है, इतना फर्क है। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे ले गए, उन्होंने वहाँ पे फ्रेंड्स और बछड़ों को अपने जादुई शक्ति से सुलाकर अपने धाम में एक साइड में रख दिया। और फिर वो घड़ी देख रहे थे, मगर नीचे एक साल, जब एक मिनट उनका कंप्लीट हो नीचे एक साल हो गया। और ब्रह्मा जी बस अपना जल्दी से उनको ले आया वापस। और वापस लाने से पहले उन्होंने कहा पहले चेक तो करूँ नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि उनको उनको तो पता ही है वहाँ पे एक साल हो गया, तो वहाँ रोना धोना चल रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जब उन्होंने नीचे देखा, जब वापस नीचे देखने गए तो वहाँ पे कृष्ण भगवान अपने फ्रेंड्स और बछड़ों के साथ खेल रहे। तो बहुत सरप्राइज हो गए, उन्होंने कहा ये यहाँ पे कहाँ से आ गए, वो भागे भागे वापस गए। फिर वहाँ से खाके तो नहीं गया, उन्होंने देखा तो वही वहाँ सो रहे, फिर भागे भागे आए यहाँ पे, वही हैं। तो वो विमोहित हो गए, विमोहित मतलब बिविल्डर्ड। इसलिए इस लीला का नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो फिर ब्रह्मा जी बहुत कंफ्यूज हो गए, फिर आए भागे भागे और उन्होंने उनको समझ आ गया कि ये तो भगवान है, कोई लड़का तो है नहीं कोई। और फिर मतलब अगर भगवान है तो बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया, अपराध हो गया, भगवान के भक्तों को भगवान से अलग करने से बड़ा कोई अपराध है ही। और भगवान को अपने भक्तों से मिलाना उससे बड़ा उससे बड़ी सेवा और कोई है ही नहीं। इसीलिए जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन लीला की, तो हालांकि गोवर्धन लीला में इंद्र ने भी अपराध कर दिया था। इंद्र ने भी बारिश कर रहा था ना कि कृष्ण को, इंद्र को भी विश्वास नहीं हुआ कृष्णा भगवान है, वो भी लड़का समझ रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने इंद्र यज्ञ बंद करा दिया था, माने कहा इंद्र का यज्ञ नहीं करेंगे, कृष्ण
अपने नंद बाबा से, अपने फादर मदर से कहा कि उनका यज्ञ नहीं करें, गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। इंद्र गुस्सा आ गया, उन्होंने बारिश कर दी। हरे कृष्ण, ये क्या हुआ, बारिश बंद हो गई। सो बारिश बंद कर दी, सॉरी, इंद्र ने बारिश शुरू कर दी और इंद्र गुस्सा हो गया, मेरी पूजा बंद हो गई, बारिश शुरू कर दी। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली। अब गोवर्धन के नीचे सब लोग आ गए, सबको बुलाया, सब रहे, 7 दिन तक गोवर्धन जी के नीचे रहे। और मैं लीला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंद्र ने भी अपराध किया बारिश करके, ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया, मगर फर्क ये है कि ब्रह्मा जी से भगवान गुस्सा हो गए, इंद्र से भगवान खुश थे। क्यों? सारे भक्तों को मिला दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भक्तों को अलग किया और इंद्र की वजह से सारे भक्त गोवर्धन जी के नीचे 7 दिन इकट्ठा हो गए। इसीलिए कभी भी हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि भक्त भगवान से अलग हो जाए, और सारी कोशिश रहनी चाहिए कि सारे भक्त साथ में रहें और भगवान की सेवा में लगे रहें, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट इसलिए प्रचार सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम सारे डिवोटीज को ला रहे हैं, भगवान की सर्विस में ला रहे हैं, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। सो एनीवे, ब्रह्मा जी, इसलिए ये जो इंद्र विमोहन लीला और ब्रह्म विमोहन लीला में अंतर है, इज अ डिफरेंस देयर। और एक और वैसे शिक्षा मिलती है कि इंद्र ने भी अपराध ही किया था, बारिश वारिश गुस्सा तो वो था ही, मतलब इंद्र सेम ही मेंटालिटी थी, बट इंद्र के एक्शन से भक्त साथ में आ गए। ऑल दो इंद्र अपने मन में सोच नहीं रहा था कि भक्तों को साथ में लाना है, इंद्र का कोई प्लान नहीं था, इंद्र का प्लान था बारिश करना है, मारना है, इंद्र का प्लान था, बट भक्त लोग साथ में आ गए अपने आप, भगवान ने अरेंजमेंट किया। सो अगर आपकी सेवा करने की इच्छा भी नहीं है और आपके मन में भगवान के लिए नफरत है जैसे इंद्र की थी, मगर अगर आपकी क्रियाओं से भगवानों के भक्त और भगवान साथ में आ गए तो भगवान खुश हो जाएंगे चाहे आपसे अपराधी हुए। ये बहुत बड़ी टीचिंग है, क्योंकि जनरली अब जब अपराध होता है तो भगवान गुस्सा होते हैं, पनिशमेंट मिलती है, मगर इंद्र को ऐसा नहीं है। इंद्र को भगवान ने ब्लेसिंग दी, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेवा ऐसी है, भक्तों को साथ में मिलाना, उनको साथ में रखना भगवान की सेवा में, ये सेवा ऐसी है कि सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं इस सेवा से, इस पर्टिकुलर सर्विस से। सो एनीवे, ब्रह्मा जी, ये बिसाइड्स साइड पॉइंट था, दोबारा हम वापस आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, ब्रह्मा जी आए कृष्ण के पास और वो डर गए, उन्होंने कहा भी एक तो अपराध हो गया और भक्तों को अलग भी कर दिया, मतलब ये तो अजीब सी बात हो गई, बहुत डर गए, उनको ये डर लग गया कि अब तो मेरी पोस्ट चली जाएगी, तो भागे भागे आए। अपने ब्रह्मा जी का वाहन क्या है, किसी को पता है? अलग अलग देवताओं का अलग अलग वाहन होता है, जैसे गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा, चूहा चूहा है शेर, तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, हाथी चूहे को थोड़ा कॉम्बिनेशन अजीब है, चूहा। और यमराज जी का वाहन क्या है, गंगा जी का मगरमच्छ, और शिव जी का बैल, बैल बैल, और पार्वती जी का शेर, और विष्णु भगवान का गरुड़ जी, और कृष्ण का कोई वाहन नहीं है, कृष्ण का कोई वाहन नहीं है, मतलब वो तो मथुरा द्वारका में है, मतलब मैं ब्रजे नंदन कृष्ण, ब्रज के कृष्ण सोच रहा हूँ, मथुरा द्वारका में तो है कृष्ण भगवान का गरुड़ जी, बट वृंदावन में कोई वाहन नहीं है, कृष्णा चप्पल भी नहीं पहनते वृंदावन, नंगे पांव चलते हैं, क्यों, क्योंकि गायों के तो भगवान ने चप्पल पहले ही दी है, वो बात ठीक है, मगर वो तो बचपना था, क्योंकि
कृष्ण को पता ही होना चाहिए गायों के पहले ही सैंडल्स होती हैं, हमारे पास गाय है उनके पहले वो होते हैं ना खुर, उनको तो पहले भगवान ने बना रखा है, पहले गायों से बच के रहना पड़ता है, वो पैर के पैर रख देती है। हमारी तो गायें हैं सब बद्रिका आश्रम में, तो ध्यान से उसको प्यार व्यार करते हैं कि पैर पे पैर आ गया तो फ्रैक्चर हो जाएगा आपका, सीधा सीधा फ्रैक्चर है, कुछ नहीं है। सो एनीवे वृंदावन में भगवान इसलिए नहीं पहनते चप्पल क्योंकि वो उनका घर है। घर में थोड़ा ना कोई व्हीकल या कोई चप्पल चाहिए, ऑफिस में चाहिए होती है व्हीकल और चप्पल ये सब, घर में तो आदमी अपने रिलैक्स रहता है, इसलिए कृष्ण का कोई वाहन नहीं है। बट एनीवे ब्रह्मा जी अपने स्वयं हंस, ब्रह्मा जी का हंस वाहन है, उस पर बैठ के आए और उन्होंने प्रार्थना की, भगवान को प्रार्थना अर्पण की। ये 10th दशम स्कंद के 14 चैप्टर में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं, हम जाके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी बार बार ये प्रेयर्स से श्लोक कोट करते थे, पढ़ते थे प्रेयर्स, तो उस प्रेयर्स में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जो हमारी वैष्णव शिक्षाएँ हैं वो ब्रह्मा जी की प्रेयर्स से आती है। इनफैक्ट हमारी संप्रदाय ही ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय है, ब्रह्मा जी हमारे प्रवर्तक आचार्य हैं, संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य हैं, तो उनकी प्रेयर्स और इम्पोर्टेंट हो गई हमारे लिए। तो उन प्रेयर्स में एक श्लोक आता है 10th canto 14th chapter 8th verse, 8वां श्लोक, किसी को पता है? बाय चांस, वैसे तो मुश्किल है पता होना, बट हाँ कौन, किसी को पता है बाय चांस? तुक्का मार सकते हो 10:48 हाँ क्या है? नहीं नहीं भागवतम, कोई नहीं तुक्का मारा है, लेट्स ओके। और कोई तुक्का मार सकते हैं यहाँ पर? एनीवे आई विल टेल यू, आपको पता है श्लोक है, वैसे आपको पता है तत्त्व अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजाने वात्मकृतम विपाकम हिद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते मुक्ति पदे सदाया भाग। ये श्लोक है और बहुत सुंदर श्लोक है, श्री प्रभुपाद बार बार इसको कोट करते थे। अगर आपने ये एक श्लोक समझ लिया आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, बस ये जीवन जीने का फॉर्मूला है। लोग पूछते हम जिए कैसे, क्या करें, जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, दुख तो है ही, तो ये श्लोक बता रहा है जीते कैसे जीवन। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस संसार में जो भी आया उसको दुख मिलेगा, और अगर आप सोचेंगे इस संसार में आप सुख रहेंगे तो और दुख मिलेगा, क्योंकि आपकी आशाएं टूटेंगी, ये संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता, ये डिजाइंड ही ऐसा है दुख के लिए। यहाँ पे बीमारी होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जन्म है मृत्यु है, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है संसार का नाम क्या है? दुखाल्यम, सुखाल्यम नहीं है, दुखाल्यम है, दुखों का सागर है, उसमें थोड़ा सा बीच बीच में सुख मिलता है, मगर वो सुख भी उसका अंत भी किसमें होता है? दुख में। तभी तो कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं क्या है वो, यही संस्कृजा सुखा दुख दुख योन चले। सो इस संसार में सुख की योनि में दुख है, सुख के अंदर दुख छुपा होता है, हमें पता नहीं लगता, मगर एंड वहीं जाता है, एंड वहीं होगा। आप बहुत ज्यादा चीनी खा लो, मजे कर लो, तो एंड में क्या होगा? डायबिटीज, दुख आ गया। तो आप कुछ भी सोच लो, आप आराम से बेड पे सोओगे तो एंड में क्या होगा? बैकिक स्पॉन्डिलाइटिस। सुख तो है ही बट दुख है अंत में। तो ब्रह्मा जी ने बताया है कि देखो भाई, अगर इस संसार में दुख है तो यहाँ पे जीना कैसे है कि जिससे हमारा मन शांत रहे, संतुष्ट रहे और अपना जीवन जी पाए। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत् अनुपम सुसमीक्षमान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर इस संसार में जीना है तो एक इच्छा जरूर होनी चाहिए आपके हृदय में, वरना प्रॉब्लम्स में फंसोगे और फिर दुख होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। सुसमीक्षमान हो, समीक्षा मतलब होता है इच्छा,
समीक्षा पता है वर्ड आपको, समीक्षा, समीक्षा क्या कहते हैं, एनालिसिस होता है ना, समीक्षा है ना, ऐसे कैसे वर्ड यूज करते हैं समीक्षा हिंदी में होता है यूज कैसे है, समीक्षा करना हिंदी वर्ड है, क्या है संस्कृत वर्ड है, हिंदी वर्ड है, किसी चीज को एनालाइज करना, किसी चीज को डिटेल में समझना, समीक्षा करना, उसको डीप एनालिसिस, निरीक्षण, हाँ निरीक्षण, समीक्षा को निरीक्षण कह सकते हैं। इच्छा मतलब होता है देखना, सम मतलब होता है समय, पूरी तरह किसी को देखना, वो समीक्षा होता है। जैसे कि आप किसी से पूछो कि भी मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मतलब आप फिर पुलिस के पास जाओ कि भी ये प्रॉब्लम हो गई, तो पुलिस को कहो एफ आई आर लिख लीजिए, वो एफ आई आर लिखेगा तो आप कहोगे आप, तो वो व्यक्ति कहेगा तो आप देख लेंगे ना सब, तो कहेगा हम देख लेंगे आप चिंता मत करो, तो वो कैसे देखेगा, स्पेक्स लगा कर। वहाँ पे देखने का मतलब क्या है कि हम सब एनालाइज कर लेंगे, हम देख लेंगे केस को, एनालाइज करेंगे, समीक्षा मतलब एनालाइज। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सुसमीक्षा मानो, सु मतलब होता है अच्छे से, हम देख लेंगे, तो सु लग, वैसे सुसमीक्षा मानो का मतलब हो गया हम देखेंगे, हम देखने बहुत ज्यादा इच्छा होगी देखने की, सु मतलब ये हो गया। सो जीवन अगर जीना है तो आपके हृदय में इच्छा होनी चाहिए क्या, भगवान को समझने की, भगवान को एनालाइज करो, भगवान को समझो, भगवान को समझना और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। जब तक वो नहीं होगी हृदय में तब तक आप प्रॉब्लम से दुख होगा, कोई नहीं बता सकता, असंभव है, छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम, दुख सबको है। क्योंकि क्या है कि जैसे ये होता है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, उनको पैसे कमाने की बहुत इच्छा होती है, नहीं पैसा 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 पैसा, चारों तरफ पैसे पैसे चलते रहते हैं, तो जितना वो इतना एब्जॉर्ब होते हैं उस चीज़ के अंदर कि उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, ये होती हैं होती हैं, मगर उसको पता नहीं लगता, कुछ ध्यान नहीं देते, वो 24 घंटे क्या घूम रहा है माइंड में, पैसा घूम रहा है। ऑफकोर्स पैसा कमाने की अलग टेंशन है, उससे अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो संसार में आसपास प्रॉब्लम्स होंगी मगर आपको उसकी वो पता नहीं लगेंगी, महसूस नहीं होंगी। जैसे एग्जाम में होता है, एग्जाम तो सबने दिया नहीं, बोर्ड दिए हैं, बोर्ड टेंथ के, तो क्या होता है अगर दो दिन बाद एग्जाम है तो मम्मी भूख नहीं लग रही, सो जाओ नींद नहीं आ रही, घूमने चले जाओ, बात मत करो, बस यही चलता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, बुखार हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ना है, टेंशन है उस बात की। सो अगर इस संसार की चीजों के लिए जब टेंशन होती है और जब हम एब्जॉर्ब होते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं, अगर भगवान को प्राप्त करने की टेंशन होगी तो संसार की कोई दुख छू भी नहीं सकता, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो जब हम भगवान को समझते हैं भक्तों के संग में, भगवान को जानते हैं भगवान कौन है, और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो धीरे 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 क्या होता है, इस संसार के जितने दुख और स्ट्रेस और टेंशन सब खत्म हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं जाता, इसको बोलते हैं सुसमीक्षा मानो, सुसमीक्षा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए भगवान से कनेक्ट हुए बिना दुख नष्ट नहीं हो सकता, आप प्रभावित हो जाओगे उन चीजों से, हो जाओगे। शीला प्रभुपाद इतने बीमार रहते थे, प्रभुपाद को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, किडनी प्रॉब्लम थी, सब था, बट प्रभुपाद फिर भी कोई प्रॉब्लम, मतलब प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभुपाद भगवान का प्रचार कर रहे थे, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। जैसे कमल कीचड़ में रहता है फिर भी कीचड़ उसको कमल को छू नहीं पाती, ऐसे ही जब भगवान के लिए इच्छा होती है प्राप्त करने की इच्छा, तो भगवान उस अपने डिवोटी को इस संसार की प्रॉब्लम्स में रहते हुए भी प्रॉब्लम से प्रभावित नहीं होने देते, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है।
क्योंकि आप कहोगे कि हम साधारण तरह प्रॉब्लम है फिर भी मैं प्रभावित ना हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये तो वही बात हो गई, आप सागर में रह रहे हो मगर आप कह रहे हो मैं गीला नहीं होगा। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री को ज्ञानी लोग भी नहीं समझ पाती। ज्ञानी योगियों का सॉल्यूशन ये है, भाई प्रॉब्लम है संसार में छोड़ दो, गुफा में चले जाओ, उनका सॉल्यूशन ये है। कहते हैं ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, आप प्रॉब्लम समाज में हो, इधर हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आ रही हैं, फिर भी आप प्रभावित नहीं हो रहे, ये नहीं हो सकता। सो सुसमीक्षा मानो, अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा लिया है, मुश्किल है लाना, मगर अगर आ जाए तो कैसे आएगी? भगवान को जब आप समझोगे, तो लेक्चर सुनोगे, कृष्ण कौन है, कैसे कैसे मैंने अभी बताया, कृष्ण की सेवा सबसे बड़ी सेवा क्या है, सबसे बड़ा अपराध क्या है, कृष्ण कैसे हैं, समझते 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 फिर मन करेगा उनसे मिलूं भी, यही है ना भैया, कुछ चीज़ बार बार सुनते रहोगे तो मन ही करेगा मिलूं। अगर एडवर्टाइजमेंट यही तो है और क्या है, आप सुनते रहते हो बार बार, मैं तो सारे एडवर्टाइजमेंट देखे ही नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया, किसका कौन सा एडवर्टाइजमेंट बताऊँ, थम्स अप तो बहुत पुराना हो गया होगा। एडवर्टाइजमेंट में आप बार बार वो बोल रहा है चॉकलेट चॉकलेट, क्रैक्स क्रैक्स का एडवर्टाइजमेंट आता है आजकल, ठीक है वो क्रैक्स खाओ क्रैक्स खाओ क्रैक्स खाओ क्रैक्स खाओ, क्रैक्स में ऐसा है क्रैक्स में ऐसा है, वो सुनते 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 फिर आपका मन करेगा मैं क्रैक्स एक बार खा के तो देखूँ क्या है, तो नहीं बार बार बताए जा रहे हैं, तो बस वही बात है बस। अगर आप कृष्ण के बारे में सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे दिन रात, तो आपका मन करेगा मैं एक बार मिली तो सही कृष्ण भगवान से, पता नहीं सब लोग ही बोलते रहते हैं अच्छे हैं ऐसे हैं वैसे हैं, सो आई हैव नो मीट हिम, तो वो इच्छा आ जाएगी। एक बार वो इच्छा आ गई तो मनुष्य जीवन शुरू हो गया, उससे पहले कौन सा जीवन है, उससे पहले जानवरों का जीवन। तो आप लोग क्या हो बताओ, मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग क्या हो? सो या हम हमारे जिस हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है वो तो हृदय मरा हुआ है, जीवित नहीं है वो, ये सुखदेव गोस्वामी के मतलब प्रेम प्रेमी का तो ऐसे ही कहते हैं, नहीं उसको रोमियो जूलियट के लिए मर रहा है, जूलियट रोमियो के लिए मर रहा है, तो प्रेमी लोग तो ऐसे ही कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो तो मरा हुआ है, वो हृदय तदश्मसारम हृदयम बतेदम, वो हृदय पत्थर का है जिसके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान इतने, कृष्ण इतने अच्छे हैं, कृपा के सागर हैं, इतने सुंदर हैं और उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, फिर आपका हृदय तो पत्थर का ही होना चाहिए डेफिनेटली। मतलब इस संसार में अगर कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है और आपको देख के कुछ भी नहीं हो रहा उसको, नहीं जैसे वैसे चलो मान लीजिए, चलो चलो मान लीजिए अगर अगर कोई बहुत सुंदर लड़की है और आपको देख के कुछ नहीं हो रहा, आपसे नहीं पूछ रहा आपसे पूछ रहा, तो क्या कहेंगे उसको, क्या क्या है, क्या है वो, क्या है वो है डेड मतलब सबसे सुंदर लड़की, मतलब एक मतलब मान लीजिए अप्सरा उतर के आ गई उर्वशी और आपको कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या कहेंगे, इस्कॉन का डिवोटी, डिवोटी डिवोटी सब साइड में हो जाएगा, उर्वशी आएगी तो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स उर्वशी, अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर मेडिकल प्रॉब्लम है, That's all, है? Blindness? तो नपुंसक है, कुछ भी नहीं है, वो तो हम में से तो कोई नहीं है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, उर्वशी आ गई तो वो अर्जुन जैसा व्यक्ति कर सकता है उसको देखकर, वरना तो उर्वशी तो खुद ही सरप्राइज थी कि अर्जुन ने डिनाई कर दिया उर्वशी को, उर्वशी ने प्रपोज तो किया था अर्जुन को, अर्जुन जब स्वर्ग इंद्र जब अर्जुन को स्वर्ग ले गए थे ट्रेनिंग देने के लिए, उर्वशी जैसी सुंदर, उसने कहा मैंने आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया, तुम ही कर रही हूँ, अर्जुन ने डिनाई कर दिया, और वो उसको एक्चुअली एक बार धक्का लगा कि
मैं इतनी सुंदर स्त्री, मुझे कोई मना ही नहीं कर सकता, और मुझे तो प्राप्त करने के लिए लोग मरते हैं और इसने डिनाई कर दिया। तो वो भगवान के पार्षद होते हैं, वो कर सकते हैं, हम तो चलो, मतलब मैं कह रहा था कुछ मेडिकल प्रॉब्लम। सो उसी प्रकार अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जो उर्वशी से भी करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है और कितने कृपा के सागर है, और आपको उनके बारे में जानकर कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है हार्ट में, आपके हार्ट में कुछ भी नहीं हो रहा। सो इसलिए कहने तदश मसारम, उसका हृदय पत्थर का बना है। सो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जल्दी जल्दी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ले आओ। और कैसे आएगी? जब समझोगे भगवान के बारे में, सुनोगे। इसको कहते हैं सुसमीक्षण। यहाँ पे सु का मतलब है इंटेंस, अच्छा नहीं है यहाँ पे सु का मतलब, सु का मतलब है तीव्र, समीक्षा मतलब होता है इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की, उनको समझने की इच्छा। ओके, जब ये आ जाएगा तो क्या होगा? तत्व अनुकंपाम, तब आपको भगवान की कृपा अनुभव होने लगेगी, क्योंकि आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। तो अगर आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, तो भगवान को भी आपको प्राप्त करने की इच्छा है, दोनों तरफ से होता है ना खेल। तो अगर आप चाहते हो तो वो भी चाहते हैं, अगर आप अपने में बिजी हो तो वो भी अपने, वो कहेंगे भाई तुम्हें मुझसे मतलब नहीं है, तो मैं क्यों अपना सर खोलूं, ठीक है तुम्हें जो करना करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा, मैं वैसे बिजी आदमी हूँ, पूरे ब्रह्मांड को चलाना है, तुम अपना करते रहो, जॉब वॉब जो भी करना है मुझे क्या मतलब है, ठीक है तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, वो अपना तुम्हारा अरेंजमेंट हो जाएगा कर्मों से, वो चिंता करो बाकी ठीक है। सो भगवान को भी आपको प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी, और फिर आपको भगवान की, भगवान आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगेंगे, भगवान की लाइफ में आपको हेल्प करने लगेंगे, हर सिचुएशन में, हर पोजीशन में भगवान अपनी प्रेजेंस फील कराने लगेंगे आपको। हर सिचुएशन में आपको फील होगा कि भगवान यहाँ पे ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तत् अनुकंपाम, तो भगवान की कृपा अनुभव होगी, तब भगवान की मर्सी फील होती है हर डिवोटी को। जो डिवोटी जो डिवोशन कर रहे हैं, हमें लगता ही है नहीं हमारी लाइफ में भगवान, प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली इसके तात्पर्य के एंड में कि डिवोटी स्टेज इन द क्या है, कैसे डिवोटी स्टेज इन द एग्जैक्ट लाइन मिली, बहुत अच्छी लाइन थी, डिवोटी स्टेज इन द हैंड ऑफ इन द प्रोटेक्टिव हैंड ऑफ लॉर्ड। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त को भगवान अपने हाथ में रख के, हाथ में रखते हैं, अपना हाथ पीछे हमेशा रखते हैं उसके, नहीं। सो तत्व अनुकंपा, तब भगवान की कृपा अनुभव होती है। तो अब लोग कहते हैं ना कि भगवान की कृपा कब आएगी, क्या होगा, नहीं यही कहते हैं भगवान आप हम पे कृपा कीजिए, भगवान हम पे कृपा कीजिए, भगवान भी कहते हैं आप भी तो कुछ कीजिए तब हम कृपा करेंगे। अब फ्री फंड में तो कुछ नहीं मिलता, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता फ्री फंड में, कुछ करोगे तब तो कुछ मिलेगा। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, आप पूछो क्या करना है, ये करना है, क्या करना है, हरे कृष्ण तो करना है। तो, मैं लेक्चर में क्या मैं बताया अभी क्या करना है, नहीं अभी मैंने बताया, अभी बताया सुसमीक्षमानो, किसी तरह भगवान को प्राप्त करने की इच्छा लानी है। वो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आती इन चीजों से, हरे कृष्णा करने से, सेवा करने से, जो आप सब कह रहे हो प्रचार करने से, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इससे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आती है, क्योंकि हम जिसकी सेवा करते हैं, जिसको समझते हैं, फिर मन करता है उसको मिलेगी, है नहीं, उससे आसक्ति हो जाएगी ना धीरे धीरे, माँ अपने बच्चे की सेवा करती आसक्ति हो जाती है। कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को समझता है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो समझने से और सेवा करने से धीरे धीरे आसक्ति होती है, आसक्ति से फिर मन करते हैं मेरे, बस ये प्रोसेस है और कुछ नहीं है। तो सुसमीक्षा मानो, दैट्स द आइडिया, ये करना है भगवान, नहीं ये किसी तरह अपने हृदय में अच्छा लगा। तो अब आपको ये भी पता लगा होगा कि हम सेवा क्यों कर रहे हैं, हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं,
अभी तो मैंने बताया क्यों कर रहे हैं, कि जिससे हमारे हृदय में भगवान को पाने की इच्छा आ जाए, समझ गए? तो ये सब करने का रिजल्ट ये है, हम सेवा और हरे कृष्णा और प्रचार इसका नहीं कर रहे कि भगवान आप हमें आनंद दे दीजिए, आप हमें ही दे दीजिए, वो सब नहीं है। हमें टारगेट पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, वरना क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे बेकार में, अंधेरे में तीर चला रहेंगे। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाए, भगवान से आसक्त हो जाए, दैट्स द होल आइडिया। सो तत्यनुपम्पां सुसमीक्षमानं भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। दूसरी लाइन तो बहुत अच्छी है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ठीक है ये तो हो गया, अब ऐसे मान लीजिए आप भगवान के बारे में सुन रहे हो, सेवा कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, हरे कृष्णा करने से बहुत फास्ट स्पीड हो जाएगी, तभी हम कहते हैं हरे कृष्णा मंत्र जपो, क्योंकि भगवान का नाम बहुत पावरफुल है, भगवान का नाम लेते लेते भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बहुत जल्दी आ जाती है। तभी तो कह रहे हैं क्या कहते हैं, कभी वो केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे नरोत्पाद, इसलिए हमारा मेन चैंटिंग है प्रोसेस। तो ठीक है, आपने आप समझ रहे हो, आप में थोड़ी थोड़ी तो इच्छा है आप सब में भगवान को प्राप्त करने की, तभी तो यहाँ बैठे हो, कि मूवी थोड़े ना जा रहे हो, भगवान अच्छे लगते हैं तभी तो आए हो आप यहाँ पर, कोई हमने कोई पैसे देंगे किसी को, जैसे वहाँ पंजाब में लाते हैं ट्रक भर के पैसे पैसे देकर, स्पीकर को पता नहीं होता वहाँ क्या भीड़ है यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, नहीं कोई पैसे वैसा तो नहीं है। और दिल्ली से ऐसी जगह पे आ रहे हो तो इसका मतलब डेफिनेटली आप लोगों को भगवान अच्छे लगते हैं थोड़े थोड़े, वरना दिल्ली ऐसी जगह में कौन आएगा। तो ठीक है, और भगवान की कृपा थोड़ी सी आपको अनुभव भी होती है, सबको ही होती है, कीर्तन करते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं वो भगवान की कृपा से तो अच्छा लग रहा है, वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा, देखना उठ के चले जाओ। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी आप प्रवचन में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, ये शास्त्रों में लिखा है, सीरियसली शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में कोई भगवान के कीर्तन कथा में 3 मिनट से ज़्यादा बैठ जाए तो वो महान है। इसलिए आप सब क्या हो, अभी तो कह रहे थे जानवर हो अभी महान कह रहे हो तो साइको हो गए हाँ, 3 मिनट से ज्यादा बैठ गए, पहले जानवर थे 3 मिनट से ज्यादा बैठ गए तो महान बन गए, ये शास्त्रों में लिखा है, मजाक नहीं कर रहा मैं, 3 मिनट का टाइम लिखा है। तो कृपा है, वरना आप बैठ नहीं सकते हैं, असंभव है वो, आप चले जाओगे, माइंड आउट हो जाएगा। सो ठीक है, पहली लाइन हो गई तो आप कहोगे बहुत अच्छा है, ठीक है आप सब महान है और बैठे हो, कृपा है, तो आप सोच रहे हो कि भगवान की कृपा है तो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लाइफ में, है नहीं, अब तो सब सेट हो गया, कोई दुख नहीं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि तो दूसरी लाइन क्या है, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। वो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली भगवान की कृपा तो है मगर अभी भी दुख और प्रॉब्लम्स आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि कृतम विपाकम, क्योंकि हमारे मन में अभी भी पाप वासनाएं हैं। तो हरे कृष्ण, तो वैसे तो भगवान आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं, वो तो है ही, आप बैठे ही हो, भगवान करते हैं, भगवान के लेके आए, भगवान पूरे ब्रह्मांड की प्रॉब्लम्स खत्म कर दें तो वो उनका कुछ नहीं जा रहा, करोड़ों ब्रह्मांड है ठीक है, मगर आपकी प्रॉब्लम्स भगवान खत्म नहीं करेंगे पूरी तरह जान बूझ के, और दुख आने देंगे, क्यों कोई बताएगा क्यों, आप कहोगे और ले हाँ क्या एक मिनट क्या कह रहे हो क्या, हाँ हाँ ओके गुड, हाँ तो इसलिए दुख आने देंगे, प्रॉब्लम आने देंगे कि जिससे कि इससे दुख में स्मरण और बढ़ जाता है, तो भगवान में संबंध और स्ट्रांग हो जाएगा। हरे कृष्णा, ये फोन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो कर रहा है वो करता रहेगा, ऐसे ही होता है नहीं। सो अब क्योंकि स्ट्रांग हो जाए दुख में और स्मरण बढ़ेगा, और वैसे भी दूसरी बात ये भी श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारी जो पाप वासना है ना वो प्रॉब्लम में धीरे धीरे
खत्म हो जाएंगे। अभी हमारे पास भोग करने की इच्छा है नहीं, इच्छा है। अब महान तो हो गए हो मगर अंदर से अभी भी थोड़ा सा इच्छा है, मतलब महान महान भोगी हो, मतलब महान तो हो बट अभी अंदर से कुछ गड़बड़ है। सो अंदर से भोग करने की इच्छा है, पाप करने की इच्छा है, वो पिछले जन्मों से आ रहा है ना, उसको भी तो साफ करना है। इसलिए भगवान आने देंगे प्रॉब्लम्स, दुख आने देंगे। तो दुख में आप स्ट्रगल करोगे, दुख होगा, रोग है, बिलकोगे, तो उससे फिर आपको पता लगेगा मैं गलती नहीं करूँगा, यही है ना। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि कोई भी व्यक्ति और भगवान भी आपको सुधार नहीं सकते, आपको अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा। वो कैसे हो जाएगा? मान लीजिए आप सिगरेट पी रहे हो, आपको ही छोड़नी पड़ेगी ना। मतलब मम्मी आपको मार सकती है, डांट सकती है, पापा डांट सकते हैं, मतलब छोड़नी तो आपको ही पड़ेगी। तो इसलिए भगवान प्रॉब्लम्स देते हैं, दुख देते हैं, फिर आपको समझ आता है हो इस गलती के ऐसे दुख हो रहा है, मैं कामी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, इसलिए दुख आया, छोड़ देता हूँ। फाइनली जितने भी भोग वासना है जो बहुत सूक्ष्म भी, उसको छुड़वाने के लिए भगवान प्लान करते हैं और दुख आने देते हैं, प्रॉब्लम्स आने देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगी, दुख फिर भी आएंगी, मगर तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझ पर बहुत कृपा है, मैं महान हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दुख नहीं आएगा। फर्क बस ये है कि अब जो आपको प्रॉब्लम और दुख आ रहे हैं आपके कर्मों से नहीं आ रहे। कैसे आ रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। और जो जो कथा में नहीं बैठे, जो बाहर घूम रहे उनको दुख कैसे आ रहे हैं? उनको अपने कर्मों से आ रहे। क्योंकि आपने अगर एक बार भगवान का नाम सुन लिया और सुनने से आपको अच्छा लग रहा है तो आपके करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो गए। फोन कैसा है ये? सो इसलिए प्रॉब्लम्स आती, इसलिए जब प्रॉब्लम्स और दुख है लाइफ में तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या है, कैसे है, मुझ पर तो कृपा नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा है, भगवान आपको, भगवान चाहते हैं और स्मरण बढ़ जाए और भक्ति बढ़ जाए, इसलिए भगवान देते हैं। मतलब पांडवों की लाइफ में भी दुख आए, पांडवों के नहीं, ज्यादा तो नहीं, भक्तों को ज्यादा दुख नहीं देते, भक्तों को उतना ही दुख देते हैं जितने में वो ठीक हो जाए। डिपेंड करता है अलग अलग लोगों। अबे कोई बच्चा चॉकलेट खा रहा है तो मम्मी थप्पड़ मारेंगी, उसने चॉकलेट नहीं छोड़ी तो दूसरे थप्पड़ पड़ेगा, छोड़ देगा तो बंद हो गया थप्पड़, तो खाता रहेगा तो एक और पेटेगा और पेटेगा और पेटेगा, फिर खाता रहेगा पापा भी आगे मारेंगे बेल्ट से। आज के बच्चों को नहीं पता माँ आपको बेल्ट से पिटाई होती है? हाँ, वो आप भक्ति की दृष्टि से देख रहे हो ना, इसलिए आपको प्यार लगा। वो आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो तो बच्चा होता है तब उसको लगता है मम्मी मारनी है, गंदी है। हर बच्चे ने एक बार लाइफ में कहा होगा मम्मी गंदी है, हर बच्चे ने। अब अभी कहेंगे मगर होता ही नहीं होता है, इन्होंने भी कहा है ना, क्यों कहा है ना आप लोगों ने मम्मी गंदी, इसने भी कहा होगा। तो हर बच्चा कहता है, मगर जब बड़े आते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं हमें अच्छा हुआ, हमें ऐसे खाया मार के नहीं। तो जब बुद्धि डेवलप हो जाती है तो समझ आता है यार तो अच्छा ही है, पैम्पर नहीं किया। सो एनी वे, सो प्रॉब्लम्स वो ठीक है ना, प्रॉब्लम्स जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है तो प्रॉब्लम्स तो भगवान की कृपा है, हमें सुधारने के लिए दे रहे हैं। मगर जब तक ये बुद्धि नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब तक डिवोटी को ये फिलोसफी से अपने आप को बताना पड़ता है श्लोक से कि भैया ये प्रॉब्लम्स भगवान दे रहे हैं मुझे सुधारने के लिए, क्योंकि इमीजिएटली ये चीज़ें समझ नहीं आती। अभी तो आप कह रहे हो कृपा है, जब आएंगी ना तब पूछूंगा मैं क्या है, वसली में होगा तब मैं पूछूंगा क्या है। तब आप बोले कृपा कृपा कुछ नहीं है प्रभु जी, आप जाइए, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हम। ये होगा देखना, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर बस वो होता है। वैसे तो अभी तो आप कह रहे हो, जैसे अभी जैसे मान लीजिए आप कहो, जैसे मैं बताऊँ, मान लीजिए अगर इस फोन में सांप आ जाए तो क्या करोगे?
मार दोगे? मैं कहो ठीक है मार देंगे पकड़ के। मैं तो असली में आ गया तो मैं चिल्लाता रह जाऊंगा, रुक जा कुछ नहीं होगा। हाँ वैसे इस बात से कॉकरोच भी आ गया तो सारी माता जी तो बाहर है। सही बात है, चिपकली कॉकरोच उन्हीं से लोग डरते हैं। कई मेल्स भी डरते हैं बहुत, वैसे मजाक नहीं कर रहा मैं, मेल्स भी बहुत चिपकली से कॉकरोच से माता जी थोड़ी जानी होती। मैं एक बार अमेरिका में था, कहाँ था अमेरिका में, तो अलाबामा में एक डिवोटी घर रोका हुआ था। तो हमारा वो हमारे MBBS मणिपाल से एक पास के एक पता हुआ तो कृष्णा नल्ला पुल्ला उसका नाम था, नल्ला पुल्ला साउथ इंडियन था, तो वो पीडियाट्रिशियन है वहाँ, मेरा जूनियर है, तो उसी के घर में जाके रहा था। तो मैं तो खैर डिवोटी बन गया, तो उसने बुलाया तो पीडियाट्रिशियन, उसकी तो वो उसकी वाइफ, तो उसकी वाइफ भी साउथ इंडियन है, तो वो अपना काम वाम करने गया था, तो पीछे से उसकी वाइफ थी, उसकी फ्रेंड भी थी वहाँ पास में पड़ोस में, तो वो दोनों थे। मैं जब कर रहा था बाहर, तो वो बाहर अपने बैल्कनी के बाहर पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, कुछ बहुत परेशान थी, एक घंटे से ढूंढ रही थी, गमले वमले हटा दिए, सोफे हटा दिए, पूरा घर तहस नहस। तो मैंने आगे पूछा क्या हो गया माता जी, कहते चिपकली वो परेशान हो गई। जब प्रॉब्लम आती है तो आदमी भूल जाता है पॉइंट, इसलिए श्लोक याद रखना बहुत जरूरी है, तत्तेनुकंपां तु समीक्षमानो, ये प्रॉब्लम भगवान की कृपा है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये कृपा है हमारा संबंध और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए है। दोनों तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना में थोड़ा से लोग थम गए, भाग रहे थे पागलों की तरह, कुत्तों की तरह, भागे जाओ, थोड़ा बैठ तो गए शांति से, ठीक है। दूसरी तरफ बहुत लोग की डेथ भी, वो तो बुरा ही है, अच्छा नहीं है, दुख भी है उस बात का, बट एक दूसरे एंगल से अब मुझे बताओ, जो पक्षियाँ होंगे वो क्या मानते हैं कोरोना को? पेड़ पक्षी तो कह रहे हो यार कोरोना चलता रहे, वो तो मीटिंग यही करते होंगे, इतना अच्छा है चलता रहा, सांस आई हमें, पॉल्यूशन कम हो गया, अब रिवर्स भी पॉल्यूट कम हो गई। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे सृष्टि प्रकृति ने भगवान को कंप्लेन की होगी, इंसानों ने मार दिया हमें, कुछ करिए भगवान। मानने का ठीक है भैया, पूरे संसार को थोड़ा करना पड़ेगा कुछ, कोरोना मतलब करना पड़ेगा कुछ। सो दूसरे एंगल से वो भी चीज़ें हैं, बट एनी वे मैं क्या कह रहा था, कॉकरोच जब प्रॉब्लम्स आती तो भूल जाते हैं, इसलिए श्लोक जरूर याद करना, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजाने वात्मकृतं विपाकम्। तो डिवोटी क्या, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो भुंजान, भुंजान मतलब होता है उसको सह लेता है। शुरू में हमें प्रॉब्लम आएगी तो आप भूल जाओगे कि भगवान की कृपा है, मगर एक डिवोटी को जिसको नॉलेज है वो फिर याद रखता है कि भगवान की कृपा है और प्रॉब्लम्स को सहन कर लेता है। ठीक है भगवान मुझे दे रहे हैं, मुझे कुछ सिखाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, उसको पता है। एक्चुअली जो टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उनको बच्चे ज़रूर याद रखते हैं, पता है सबको याद है ना, ऐसे मुझे भी स्ट्रिक्ट टीचर याद है, बाकी लीनियंट टीचर तो मैं सब भूल गया हूँ, उनको हमेशा याद रखते हैं। हमारे सर थे पी के शर्मा मैथमेटिक्स के, मुझे आज तक याद है, बचपन में बहुत पीटते थे। सो भुंजाने बाद में पिता ने कहा ओके कोई नहीं। तो पता है भक्ति कितनी अच्छी है, इस सुख में तो सुखी होता है, भक्ति से दुख भी क्या बन जाता है सुख, क्योंकि दुख में दुख भी उसको समझ आ रहा है कि भगवान की कृपा है, और उसमें उसको कुछ सीखने को ही मिलता है एक्चुअली। भुंजान आत्मकृतम विपाकम, और डिवोटी क्या करता है जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भगवान की कृपा देखता है, और करता क्या है, क्योंकि वो भगवान की कृपा समझ रहा है, इसलिए हृद वाग वपुर हृद विदधन नमस्ते, वो अपने हृदय से अपनी वाणी से अपने शरीर से भगवान के गुणगान गाता रहता है, भगवान आप कितने अच्छे हैं, आप हमारा ध्यान रख रहे हैं,
हमें सीधे रास्ते पे ला रहे हैं। नहीं, एक अच्छे फादर मदर तो बच्चों को सीधे रास्ते पे लाएंगे ना, वॉर्न करते हैं, प्रेम भी करते हैं, वार्निंग भी देते हैं, उनको सही रास्ते पे लाते हैं। तो कृष्णा पूरी तरह चाहते हैं कि हमें अच्छे भक्त, अच्छे व्यक्ति बन जाए, उसके लिए भगवान अरेंजमेंट्स करते हैं। मतलब भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात हो गई। एक पूरी सृष्टि के स्वामी एक कीड़े के बारे में सोच रहे हैं। वो कीड़ा कौन है? क्या अभी पब्बी कह रहे जानवर, अभी कह रहे महान, अभी कह रहे कीड़ा, मतलब वो क्या? ये तो अजीब हो गया। तो, इंटरेस्टिंग है, वो कीड़े हम हैं। मतलब एक बहुत बड़े वास्ट गैलेक्सी में हमारी क्या, हम क्या है? कुछ भी नहीं, हम छोटे से ही हैं, न्यू आए चले गए। सो फिर भी भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। हमको कीड़े का ध्यान थोड़ा ना रखते हैं, और कृष्णा हमारा ध्यान रखते हैं, जबकि हमने भगवान को जन्मों जन्मों से छोड़ा हुआ है, फिर भी वो नहीं छोड़े। वैसे वो पॉइंट अलग है। नहीं, वैसे एक मिनट, मैं कह रहा था कि वैसे पता है आपको कि अकेले रहने में क्यों अजीब सा लगता है? अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता ना, पता है किसी को क्यों? क्यों नहीं अच्छा लगता? अजीब सा लगता है, सबको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए होता है, फ्रेंड चाहिए होता है। नहीं, या आप किसी जंगल में अकेले खो जाओ तो डर लगेगा, मगर कोई एक और कोई फ्रेंड होगा तो डर बहुत कम हो जाता है। चलो एक और है मेरे साथ, बस एक और चाहिए और डर खत्म, क्योंकि एक और एक क्या होता है? 11। तो अकेले रहने में ज्यादा डर लगता है, ज्यादा दुख होता है। क्यों? डिप्रेशन भी आती है लोगों को, क्यों? क्या कह रहे हैं? मगर अकेले नहीं है। अगर आपकी मम्मी आपसे अलग हो जाए तो आप अकेले खोजो, मम्मी नहीं हो तो कैसा लगेगा? डर है, डर है ना, है ना? तो फिर बस, तो अकेले रहने में डर क्यों लगता है, दुख क्यों होता है, मतलब डिप्रेशन क्यों होती है, कोई बता सकता है? नहीं, मैं एक क्वेश्चन है कि अकेले रहने में ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। और सभी को होता है नहीं, तभी तो लोग शादी करते हैं, एक पार्टनर चाहिए, फिर पूरी जिंदगी बीत जाती है। मैं जो नॉन डिवोटीज है वैसे, और वैसे भी डिवोटीज में भी अकेले तो कोई ना कोई फ्रेंड तो चाहिए ना, कोई बात करने वाला, कुछ बस एक और चाहिए, तीन की जरूरत नहीं, दो में ही चल जाता है, बस जीवन कट जाता है। सो वो इसलिए लगता है अकेले रहने में हमें डर और दुख और डिप्रेशन होती है, क्योंकि हमारा संबंध नित्य किससे है? कृष्ण से। कृष्ण भगवान हमारे हृदय में ही अनंत काल से, वो फ्रेंडशिप है भगवान से, संबंध है, और उसी में हम संतुष्ट रहते हैं। मगर जब हम अकेले आते हैं तो हमें डिप्रेशन होती है, अजीब सा लगता है, क्योंकि हमें हैबिट नहीं अकेले रहने की। हम अनंत काल से भगवान के साथ थे और फिर यहाँ पे आ गए, तो वो हैबिट नहीं है, इसलिए हमें बड़ा अजीब सा लगता है संसार में अकेले रहने में। और क्योंकि हैबिट है भगवान क्या रहने की, यहाँ पे अकेले हो गए, अजीब सा लगता है, तो अब अजीब सा हटाने के लिए फिर हम किसी और को ढूंढते रहते हैं। उल्टा है ना, क्योंकि हैबिट है ना किसी का रहने की, भगवान का रहने की, भगवान तो है नहीं, किसी और को ढूंढते रहेंगे और फिर थोड़े टाइम अच्छा लगेगा, फिर बुरा लगने लगेगा। जब तक हम भगवान के से दोबारा से संबंधी बनाएंगे, तब तक हम कभी भी खुश परमानेंटली नहीं हो सकते। इसलिए अकेले रहने में बहुत डर लगता है, दुख होता है। तो हृदभाग बपुर भेदन नमस्ते, एक डिवोटी अपने मन से, वाणी से, शरीर से सदैव भगवान का गुणगान करता रहता है। उसको पता है कि भगवान मेरे साथ हैं, प्रॉब्लम्स में भी साथ ही हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स वही दे रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिस दिन आपको अनुभव होने लगे ना कि भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो है कि आप भगवान के बारे में सोच रहे हो, वो स्टार्टिंग है, बिगनिंग। सेकेंड स्टेप है कि आपको पता लग जाएगा भगवान भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये श्लोक यही है कि आपको समझ आ जाएगा भगवान मेरे बारे में स्मरण कर रहे हैं, तो आप हमें गुणगान गाना शुरू कर दो कि मैं मुझ जैसे व्यक्ति के बारे में स्मरण कर रहे हैं। मैं कितना, क्या कहते हैं, मतलब मैं कैसे कहेंगे कि मैं कितना, नहीं तुच्छ नहीं, मैं कुछ और कहना था, मतलब मैं कितना, क्या कहते हैं,
कृतज्ञ 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 मैं कह रहा कृतज्ञ हो गया हूँ कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं। दैट्स द होल आइडिया। मतलब अगर एक अगर एक राजा किसी के बारे में सोच, भिखारी के बारे में सोचने लगे तो वो तो पागल ही हो जाएगा कि वो इतने महान राजा मेरे बारे में सोच रहे हो। ले कोई ऐसे कोई बिल्कुल गरीब आदमी हो तो अपने आप को बहुत आभारी समझेगा, है ना। सो हे बाबा पूर्व विद्यन तमस्ते, अगर आप ये कर लो, अगर आप कर जाओ, ऐसे करना मुश्किल है कि प्रॉब्लम्स में भी आप भगवान के गुणगान गाते रहो और आपको भगवान की कृपा अनुभव होने होती रहे। ये अगर आप कर गए किसी तरह, चाहे जुगाड़ से, चाहे सोच साच के, चाहे कैसे भी, तो सब मुक्ति पदे तो सदाया भाव। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप राइटफुल हेयर बन जाओगे भगवान के धाम जाने के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि भगवान के धाम जाने के लिए आपकी एंट्री फिक्स हो, आपको भगवान के धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। दाया भाग प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे एक बच्चा होता है तो पिता की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बच्चे के पास आती है, नहीं बस उसको वेट करनी है। किस बात की है? बस प्रतीक्षा करनी है। पिताजी गए नहीं प्रॉपर्टी उसके पास ऑटोमेटिक। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पिताजी गए प्रॉपर्टी उसके पास। तो उसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं दाया भाग होता है, मतलब कि राइटफुल हेयर, कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये चेतना बनाए रखनी है। ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, सब आएंगे, मगर आपको चेतना बनाए रखनी है कि भगवान की कृपा ही है और भगवान मुझे सुधारना चाहते हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान की गुणगान करते रहो। कभी भी भगवान को ब्लेम मत करो कि देखो इतनी प्रॉब्लम आ रही है, भगवान की कृपा कहाँ है। लोग यही कहते हैं ना, कहाँ है कृपा, हमारे भगवान की इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ये उल्टी थिंकिंग है। और भगवान की गुणगान करते रहो तो उससे क्या होगा, तो आप ऑटोमेटिकली आप राइटफुल, आप भगवान के धाम जाने के लिए, मतलब भगवान भी नहीं रोक सकते आपको आने के लिए। भगवान भी कहेंगे तुम्हें ही लेके जाऊंगा। समुक्ति पदे, और मुक्ति के लिए आप, मुक्ति जिसके चरणों में है, मुक्ति किसके चरणों में, कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के चरणों उनकी शरण, कृष्ण के चरणों में रहने के लिए, कृष्ण के साथ रहने के लिए आप क्वालिफाइड हो। ये क्वालिफिकेशन है भगवान के पास जाने की। समझ गए? तो भगवान के पास जाने की क्या क्या क्वालिफिकेशन है आप समझ गए? पूरी क्या क्वालिफिकेशन है? 1, 2, 3 तीन क्वालिफिकेशन है। मुक्ति प्राप्त करने की क्या क्वालिफिकेशन है ये श्लोक ये बता रहे हैं। तीन क्वालिफिकेशन है। पहली सुसमीक्षा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होना, पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी क्या हो गया अभी तो बताया, दूसरी क्वालिफिकेशन गुंजाने वा आत्मकृतम विपाकम। दूसरी क्वालिफिकेशन कि इस संसार में जब दुख और प्रॉब्लम्स आए तो उसको भगवान की कृपा समझना, दूसरी। और तीसरी हेड भाग पूर्व विदित नमस्ते, की वाणी से, शरीर से और मन से सदैव भगवान की गुणगान करते रहना दिन रात। आपने तीन चीजें कर ली तो मुक्ति आपकी मुट्ठी में है। ये भगवान, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपको कोई रोक नहीं सकता, बस ये तीन चीजें करनी है। बस तो नहीं, मतलब करनी है तीन चीजें। तो तीनों थोड़ी सी मुश्किल है, बट भक्तों के साथ रहेंगे तो हो जाएगी। और अच्छा श्लोक है, नहीं आप जाके गूगल में देख लेना, 10वां स्कंद टाइप कर लेना, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 14 चैप्टर 8th वर्स 10.14.8, तो अपने आप ही श्लोक आ जाएगा। ये लर्न कर लेना आप लोग। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की कुछ पूछना है, कुछ कहना है? समझ गए सब लोग? समझ में आया? ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सारा भाई साहब क्या कह रहे हैं? सरेंडर में तीन चीजें आती हैं, बस ये बात है। अभी कोई कहेगा मैं सरेंडर करना, मैं कहा सरेंडर होता क्या है ये भी तो पता नहीं।
है कृपा से ही होता है, और फिर हम ये चीजें ट्राई कर सकते हैं फॉलो करने की, तो फिर फॉलो करेंगे तो होगा और बढ़ेगा बढ़ेगा सर। ओके, देयर इज नो क्वेश्चन। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की।